हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से आरसी 200 लेके आए आपके लिए, लेकिन उसके साथ में कौन सी बाइक है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास N250, तो यहाँ पे हम N250 के साथ आरसी 200 की एक ड्रैग करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा N250 अभी नई लॉन्च की है बजाज ने, F250 भी की है, उसकी भी वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों का एक परफॉर्मेंस टेस्ट करने जा रहे हैं शुभम भाई के साथ, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ ना भाई, तो प्राइसिंग को अगर देखोगे ना तो आरसी यार उस मामले में ना यार आरसी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। उस हिसाब से मुझे लगता है पल्सर वालों ने ना बहुत बजट फ्रेंडली एक बाइक बनाई है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो N250 में आपको नहीं मिलेंगी, जैसे 5 गियर है इसमें 6 गियर हैं, वो हम परफॉर्मेंस में देखेंगे क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि वही हमको यहाँ पे तय करेगा कि 5 गियर सफिशिएंट हैं कि नहीं है। बाकी तो यार पिकअप वगैरह इसका अच्छा है, आप ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियोज़ देख चुके हो, तो इसका हम लोग करते हैं ड्रैग स्टार्ट। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, प्राइसिंग एंड पावर की डिटेल जो है ना आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ये बाइक कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं, खूबसूरत है, नेकेड है। और एक बाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइसी बनाई है, मतलब लेकिन सबके बजट में ये नहीं आएगी, ये सबके बजट में आ सकती है। बाकी परफॉर्मेंस देख के आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को कौन सी लेनी है। वैसे अगर फेयर बहुत लोगों को पसंद होती है, नेकेड पसंद होती है, बहुत लोग प्राइस को देख के ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी बाइक लेनी है। तो चलते हैं, करते हैं ड्रैग एंड मिलते हैं आपसे सीधे परफॉर्मेंस टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं चलाने जा रहा हूँ आरसी, शुभम भाई चला रहे हैं हमारी N250। चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, गर्मी बहुत है। अरे भाई ये क्या था? तो यहाँ पे लॉन्चिंग में मैटर करता है, हालांकि इनिशियल तो भाई आरसी का इच्छा है, क्योंकि वो अभी निकलेगी। देख रहे हो चाचा? देख लेना, वो निकलेगी अभी और बहुत गंदा निकलेगी, मुझे पता था निकलेगी। कितनी पीछे है मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन यार पिकअप में वो निकल गई थी। 250 सीसी का थोड़ा फायदा मिला है, और बाकी भाई स्लिप स्ट्रीमिंग का मौका दे देना मुझे, अगर जो मौका मिल गया स्लिप स्ट्रीमिंग का तो मजा आ जाएगा। इसमें सारे गियर लग गए और ये 5 गियर ही आते हैं इसमें, हालांकि इसको ट्यूब से करना चाहिए, ये लिमिटर फेंकने वाली है, मुझे लिमिटर को रोक के रखना पड़ेगा। 5 गियर होने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, 144, 146, 147, 148, 148। लिमिटर को रोका हुआ है मैंने, 142-140 पे मैं चला रहा हूँ, ये लिमिटर मारती है 141, देखते हैं कब तक। अरे लिमिटर मारा 139 पे आ जा रही है लिमिटर मारते ही, और ये देखिए वो निकली गाड़ी और 250 जीतते हुए नजर आ रही है। लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत ज्यादा आगे नहीं है, ये एकदम साथ साथ में चल रहे हैं हम लोग। मैं लिमिटर मारा हुआ हूँ, क्या क्या किया इसने, ये पता नहीं यार। रुकते हैं अभी, वॉबल होने लगी थी। अरे भाई स्लो कर लिया एकदम से। चलो वॉबल बहुत कर रही थी भाई, लेकिन बराबर ही चल रहे थे, कोई आगे ज्यादा निकले नहीं थे तुम, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा निकलते। तो भैया आप लोग ने देख लिया एकदम बराबर थे, इनकी गाड़ी वॉबल होने लग गई थी तो इनने गाड़ी रोक ली। चलिए अब हम चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। वॉबल कर रही है ये, इसमें ये दिक्कत है, बाकी देखते हैं अभी आगे चल के क्या रिजल्ट होते हैं। मैं तो अभी चला के देखूंगा, इनको वॉबलिंग भी फील हो गई जिसकी वजह से गाड़ी इनने रोक दी है। अभी हम चलाते हैं, देखते हैं। पिकअप है इसमें, हाँ
लेकिन आरसी भी कम नहीं है, फुल फेयर्ड का फायदा छूने नहीं दूंगा मैं अब तो मैं छूने नहीं दूंगा बिल्कुल। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। निकल गई देखिए कितनी आगे, लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं जाने दूंगा क्योंकि रिजल्ट अब पता चलेगा। और देखते हैं कितनी दूर है, बगल में भाई पीछे एकदम। इसमें सिर्फ पांच ही गियर है, ये दिक्कत भी है। एकदम मेरे पीछे है आज वो कहीं 250। देख सकते हैं आप लोग, मैं स्लिप स्ट्रीमिंग का सहारा ले रहा हूँ और स्लिप स्ट्रीमिंग का सहारा लेते हुए मैं आगे पहुंच चुका हूँ। नहीं आगे पहुंच पाया हूँ, वो निकली जा रही है। मुझे बहुत विंड ब्लास्ट मिल रहा है, इनके आया लिमिटर, इनके आया लिमिटर और मैं ये आगे निकल गया। मेरे पीछे ही है और ये बहुत गंदा लिमिटर मार रही है, वो आगे निकलती जा रही है। मैं अब लेट चुका हूँ पूरी तरीके से गाड़ी में। बहुत ही बेहतरीन चल रहा है यहाँ पे मुकाबला, बहुत बेहतरीन। निकल गई फिर से ये लिमिटर मारेगी कि नहीं मारेगी यार। 19-20 चल रहा है पूरा, वो विंड ब्लास्ट मुझे बहुत पीछे धकेल रहा है। हो क्या रहा है भाई, मुझे नहीं लगता है N250 जीत सकती है उससे। सबके अलग अलग रिजल्ट होंगे, फिर मैं आगे निकला हूँ और इस बार मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ। वो बार अब ये नहीं जीत पाएगी, लिमिटर आ गया भाई इसमें और ये मैं आगे निकल गया हूँ। देखते क्या होता है मुझे नहीं पता है, और मैं आगे निकल गया हूँ। मैं गाड़ी रोकूंगा अब। देखिए लिमिटर मिली उसकी वजह से वो पीछे गई है, और अगर इसमें 6 गियर होते तो पूरा का पूरा मामला यहाँ पे डिफरेंट होता। हालांकि इसमें लिमिटर नहीं मारा है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई प्राइस के हिसाब से ना बाइक बहुत बेहतरीन बनाई है बजाज वालों ने यार। लिमिटर में पीछे हो रही है, हाँ लिमिटर में पीछे हो रही है, वो मैं बोल रहा था भाई चीज़। तो भाई आप लोग ने देख लिया, लिमिटर हो रहा था तभी वो पीछे हो रही थी। बाइक दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, आप लोग के बजट के हिसाब से अब यहाँ पे तय करता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। पल्सर की अगर मैं बात करूँ तो बजट फ्रेंडली है, इसकी बात करूँ तो भाई आपके पास पैसे होने चाहिए लेने के लिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा KTM फ़ैन है या मान लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तभी आप लेंगे, क्योंकि प्राइस को ना निगलेक्ट नहीं कर सकते अगर आप बाइक लेते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, पापा ही देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आप लोग के सामने है, आप लोग को तय करना है कौन सी बाइक लेनी है। दोनों बाइक बहुत बढ़िया है। चलिए होप करता हूँ ये वीडियो आप लोग पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करिएगा, थैंक्स का बटन आ चुका है। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।